बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम, आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो बोर्ड की तरफ से आया है और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इस अनाउंसमेंट को और इस नोटिफिकेशन को आपने मुकम्मल तौर पर देख लेना है। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये मैट्रिक वाले तलबा के लिए है, और प्लीज़ मैट्रिक में जितने भी तलबा हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, प्लीज़ आपने ये वाली वीडियो कम्प्लीट देख लेनी है। इसमें क्या है, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसा कि बेटे आप लोग जानते हैं कि कल क्या है, मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, यानी कि 9th और 10th क्लास दोनों का, ओके। और कौन से बच्चे हैं जो क्या है कि जो अब सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में पेपर जो है ये दे सकते हैं, और कौन से हैं जो क्या है कि सेकेंड जो एनुअल एग्ज़ाम है इसमें क्या है कि जो पेपर नहीं दे सकते, ये क्या है मैं बताऊंगा। इसलिए क्या है कि आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इससे क्या है आपका फ़ायदा हो सके। तो आइए बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेटा पहली बात ये है कि जितने भी बच्चे 9th में थे वो वाले क्या हैं कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते। यानी कि जिन बच्चों का कल मैट्रिक का रिजल्ट आया था पार्ट वन और पार्ट टू, यानी कि 9th क्लास और 10th क्लास, ओके, जिन बच्चों की 10th क्लास में कम पार्ट आई थी, चाहे वो बच्चे एब्सेंट थे, चाहे वो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल थे, चाहे उन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था लेकिन वो फिर भी फेल हो गए थे, यानी कि वो फिर भी पास नहीं हो सके थे, वो वाले क्या हैं कि बच्चे अब इस सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। यानी कि 9th क्लास का कोई भी क्या है कि सब्जेक्ट अपेयर नहीं हो सकता। 9th क्लास में आप लोग दोबारा क्या है 2023 में जाकर अपेयर होंगे। 9th क्लास के पास क्या है, कोई चांस नहीं है। सिर्फ चांस क्या है, 10th क्लास में है। यानी कि जो आपके सब्जेक्ट 10th क्लास में से फेल है, या क्या कि ना जिनमें मार्क्स कम आए थे, उनका क्या है कि आप लोग सेकेंड एनुअल एग्जाम में पेपर दे सकते हैं। 9th क्लास का क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट आप लोग नहीं दे सकते, चाहे वो मार्क्स कम वाला है चाहे वो फेल वाला है। ये जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम आया है ये सिर्फ 10th क्लास के लिए है, और 9th क्लास में जो आपकी कंपार्ट आई थी, जो आप लोग अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ये क्या कि ये जब 2023 का सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम होगा आप लोग वहाँ पर जाकर अपेयर हो सकते हैं। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको आपने अच्छी तरह से समाप्त कर लेना है। यानी कि कल आपका रिजल्ट आया था मैट्रिक का, यानी कि 9th और 10th दोनों का, जो बेटा आपकी कंपार्ट या आपकी सप्लीज या बेटा आपने एग्ज़ाम नहीं दिए थे, बेटा 10th क्लास में से कंपार्ट आ गई, तो अब बेटा आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका क्या है कि आप लोग सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि 9th क्लास का कोई भी क्या है कि सब्जेक्ट आप नहीं दे सकते। 10th क्लास में बेटा आप लोगों के मार्क्स कम आए हैं तो वो क्या है कि आप लोग अपने बेटा मार्क्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ 10th क्लास वाले ही सब्जेक्ट में, 9th क्लास वाला कोई भी क्या है कि सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बेटा ये क्या था, अभी तक लेटेस्ट बोर्ड की जानब से नोटिफिकेशन आया था जो क्या कि मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ आप लोग साथ साथ क्या कि चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आता है मैं इंशाल्लाह आपके साथ माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो अल्लाह आपका अमीन नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।